البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع जब तेरे चश्म इनायत से गुजर जाते हैं जब तेरे इनायत से गुजर जाते हैं दिल में एक आस दीदार आती है जब तेरे चश्मे गालियां सुन के दुआ के बदले बख्शिश मांगी गालियां सुन के दुआ जुल्म के बदले शिश बागी आपकी बस ये अदा हर दिल में उतर जाती जब तेरे चश्मे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नाज़िकराम मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खसूसी नशरियात आ गए सरकार नातिया कंपटीशन का आगाज़ हुआ चाहता है आज से 17 रबीउल अव्वल तक मुकाबला नात होगा मज़हबी सियासी समाजी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हुआ करेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर बैन अल-अक़वामी शोहरती याफ्ता सना ख़ाने रसूल बार गाहे रिसालत मुआद में गुलहाए अक़ीदत पेश करते रहेंगे और ये महीना है जिसको परवरदिगार ने ख़ास कर मेरे सोने के लिए मनमोहने के लिए चुना है और इस महीने में आप यकीन कीजिए कि एक नात है जिसका शेर मुझे बहुत पसंद है कि ये वो महीना है कि जिस महीने में परवरदिगार आलम ने किसी को बेटी अता नहीं की थी सबको बेटे ही अता किए थे और मैं परवरदिगार आलम से मुझ समेत जितने लोग बे औलाद हैं सदका है रसूल खुदा का परवरदिगार आलम सबको बेटे अता कर बेटियाँ भी अता करें क्योंकि रिसालत माँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बेटी से जो मोहब्बत की है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो मोहब्बत की है वो अपनी मिसाल आप है आज हम सीरत रसूल खुदा वंदे आलम
की भी बात करेंगे। और आज एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि आप आशिक रसूल हैं, और आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपका ताल्लुक़ दावत इस्लामी से है और बड़ी मोहब्बत करते हैं। सिंध में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी मोहब्बत से उन लोगों से पेश आते हैं जो मुस्तहकीन हैं। यतीम बच्चों की बात की जाए तो आप कई ऐसे ख़ानदान हैं, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी किफ़ालत भी करते हैं। पसे पर्दा जिसे कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये उसी अमल को लेके चल रहे हैं। आप देसी फूड के नाम से एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट है जो कि लकी वन के ऑपोजिट है, जहाँ पर प्लेटर है मटन कुन्ना, मटन बिरयानी, दुम्बा बिरयानी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कढ़ाई है, मीठे में फिरनी है, गुलाब जामुन है, मछली है, झींगा है, ये सारी चीज़ें कम पैसों में देते हैं। क्या वजह है आज हम इनसे जानेंगे, क्योंकि आशिक रसूल भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज रबीउल अव्वल की 14वां दिन है और आशिक रसूल महाफिल सजा रहे हैं, लेकिन आज फ़ारूक अतारी भाई ने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। फ़ारूक भाई कैसे मिजाज हैं आपके? मैं शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। फ़ारूक भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि आशिक रसूल होने के दावे तो बहुत लोग करते हैं। हर इंसान जो मुसलमान है वो बोलता है कि बस मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन दुआ करें इसके ऊपर अमल कौन करता है? दुआ करें कि हम आशिक रसूल बन जाए। हकीकत में इश्क जो है ना, वो मतलब बहुत ऊपर की चीज़ है। हम खुद को जो है आशिक रसूल नहीं बल्कि ग़ुलामान रसूल कहते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने की कोशिश करते हैं। उस शाख तो बिलाल हबशी थे। क्या बात है, है अबू हुरैरा थे। क्या बात है, क्या उस शाख तो वो लोग थे, हम तो उनके कदमों की धूल बेशक की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। दुआ करें कि हम आशिक रसूल हमने इस रबीउल अव्वल झंडे भी लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लाइटें लगाई, घरों में चरागा किया, लंगर भी किया, लेकिन क्या हम बहैसियत मुसलमान अपने पड़ोसियों के हकूक अदा कर पा रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खासा रहा है कि कभी अपने दरवाजे पे आने वाले को खाली नहीं जाने दिया। क्या फारूक भाई आजकल ऐसा हो रहा है? नहीं, इस चीज़ का बड़ा फुकदान है कि हमारे यहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी महाफिलें की जाती हैं और करनी चाहिए, लंगर किए जाते हैं, करने चाहिए, लेकिन अपने करीब में खासकर सैयदजादे जो इस वक्त परेशान हाल हैं उनका ख्याल करें, खासकर यतीम बच्चे, बेवा औरतें, जो ऐसे घराने हैं ना, उनकी इमदाद का कोई सिलसिला होना चाहिए। हमारी वालदा शुरू से एक बात कहती हैं कि भाई शोरबा बढ़ा के पकाओ। हमारी नानी दादी हम लोग ये सुनते थे, शोरबा बढ़ा के पकाओ, यानी ऐसा खाना बनाए जिसमें शोरबा ज्यादा हो, और हम अपने अतराफ में जो ऐसे लोग हैं जिनके घर पे खाना नहीं बनता या कम बनता है उन तक वो खाना पहुंचा सके। और बल्कि ये 12वीं का महीना है माशाल्लाह से, मैं तो हर किसी को ये कहूँगा कि जहाँ हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, अपने घर वालों का ख्याल करते हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वीकेंड पर बाहर अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, तो इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के यतीम बच्चों के लिए और सैयदजादों के लिए ज़रूर रखें। अमीर अहले सुन्नत मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आप नियाज करते हैं करें, लेकिन साथ साथ इस नियाज के पैसों में से ही सैयदजादों के लिए रख दें। क्या बात, ये भी आपकी बहुत बड़ी नियाज हो जाएगी। अच्छा फारूक भाई, पहले वक्तों में हुआ करता था, अगर हम चंद साल पहले चले जाएं तो घरों में खाने बनते थे, बिल्कुल कटोरी जाती थी पड़ोसियों के घर पे और वहां से वो कटोरी खाली नहीं आती थी, भर के आती वहां से। और आजकल क्या होता है, आजकल कोई खाना देने के लिए चले भी जाए किसी भी हवाले से तो या तो उसे गिरा दिया जाता है या लिया ही नहीं जाता। परेशान हो जाते हैं, क्यों भेज दिया, क्या मतलब, तावीज करवा दिए। अगर खुदा ना खासा आपके बीमार हो जाए तो बोलते हैं हम पे तावीज करवा दिए। अच्छा खासा हमारा भाई भाई या शोहर कमा रहा था, जब से इनके घर से खाना आया है अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया है फारूक भाई, क्या वजह है? दिलों में मोहब्बतें कम हो गई, कम हो गई है। असल में मैं आपको बताऊँ, ये दौर बड़ा फितने का दौर है और ये समझ लें कि हर किसी को अपनी ही पड़ी है कि बस मेरा ही सब कुछ जाए, मेरे तो किस कोई और नजर नहीं आता, तो इसलिए कोई और अच्छा भी नहीं लगता, उसे किसी और से चीज़ लेते हैं, और अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आ जाए तो समझते हैं कि यार इसने हमारे ऊपर कोई मामलात कराए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता,
जो हमारे ऊपर मुसीबत आती है हकीकत में अहदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि ये हमारे आमाल की वजह से, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम सही से रोजे नहीं रखते, हम सच नहीं बोलते, हम मतलब बदनिगाही कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू करा दिया। हालांकि जो हमारे पर मुसीबत आई वो हमारे गुनाहों का नतीजा, बिल्कुल ऐसा ही है। हम गुनाह कम कर दें इंशाल्लाह हमारे पर से मुसीबतें भी कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं फारूक भाई आप, क्योंकि अभी खाने की बात चली है, लंगरों नजरों न्याज की बात की जा रही है, तो देसी फूड का जब भी नाम आता है तो लोगों के दिलों में मटन कुन्ना, दुम्बा बिरयानी और छींगा बिरयानी, जो कि मैंने खाई भी और ऐसा लाजवाब टेस्ट है। मुझे फारूक भाई ये बताइएगा कि इस कदर महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा, मौसम नहीं है हमारा, लेकिन जो हालात हैं ये कैसे ख्याल आया दिल में आपके कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और प्लेटर क्या है थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा, स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा हमारे नाज़रीन को। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आज से तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल हो गए तकरीबन, 2.5 साल पहले सैलाब आया था अंदरून सिंध के अंदर। उस अंदरून सिंध के सैलाब के बाद जो हमने वहाँ, मैंने खुद कैटरिंग की सैलाब मुतासरीन के अंदर, तो मैंने वहाँ जो हालात देखे ना, तो मैंने सोचा कि सरकार अली सलाम की जो दुखियारी उम्मत है इनके लिए कुछ कम पैसों के अंदर खाने वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए। तो सबसे पहले ये तो प्लेटर्स वगैरह तो हमने बहुत बाद में शुरू किए, सबसे पहले हमने देसी फूड्स पर 50 रुपये का खाना शुरू किया। उस 50 रुपये के खाने के अंदर हम 2 रोटी और 1 सालन दे रहे थे। हमारे होटल पर होता ही था कि बाज़ लोग आते थे, खासकर बाइकिया वाले, फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड, इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर नौकरी करने वाले जिनकी सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 होती है, सुरजानी में रह रहे हैं, न्यू कराची में रह रहे हैं। अब 35-40 हज़ार रुपये की सैलरी के अंदर बंदा मकान का किराया दे, किराया अपने आने जाने का जो सफ़र का है वो अखराजात पूरे करे या घर के अखराजात पूरे करे, तो वो दोपहर में लंच बाहर नहीं कर सकता था। हम देखते थे कि बाइकिया वाला आया और आकर जहाँ पर हम जो लोगों की बची हुई रोटियाँ जिसे भूसी टुकड़े बोलते हैं, जिस बाल्टी के अंदर भूसी टुकड़े रखते थे, बाइकिया वाला आता है और उसमें से वो रोटी का टुकड़ा निकालता है, टूटी हुई रोटी के टुकड़े निकालता है और फिर हमसे कहता है थोड़ा सा सालन दे दो यार 50 रुपए का। तो इस तरह वो खाना खाते थे। खासकर मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सामने फैक्ट्री है हमारे, वहां मतलब टाई शाई लगा के ऑफिस में बैठते, 30,000-35,000 सैलरी है, 50 साल उम्र है, लेकिन जब वो आते हैं तो कभी वो पानी से रोटी खा रहे हैं, कभी दही से रोटी खा रहे हैं। एक आध दफा पूछ लिया मैंने कि हजरत आप इस तरह क्यों करते हैं, खाना क्यों नहीं खाते प्रॉपर, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी सैलरी 35,000 रुपये, शायद 35 ही बताई थी, कह रहे मेरा घर किराए का है, 20,000 रुपये किराया जाता है, 5 से 6 हज़ार रुपये बिजली और गैस के बिल आते हैं, बच्चों का खाना पीना पूरा करना होता है, स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे, वो कह रहे बाद औकात उनसे पैसे बच जाते हैं तो मैं बस के अंदर सफर करके घर से यहाँ पे आता हूँ, शफीक मोड़ से फजल मिल आते हैं, वो कह रहे बस से सफर करके आता हूँ, वरना पैदल ही आना जाना करता हूँ, और कुछ होता है तो खा लेते हैं वरना फिर रात को घर जाके खाना खाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार हमें इस पे कुछ वर्क करना चाहिए, तो हमने 50 रुपये का खाना स्टार्ट किया जिसमें ऐसे अफराद के लिए 2 रोटी और ये लॉकडाउन से पहले की बात है, ये लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ, ये 12वीं का ही महीना था, इसी महीने में स्टार्ट लिया था। तो उसमें जो है फिर हमने 2 रोटी और 1 सालन 50 रुपये में स्टार्ट की। फिर बाद लोगों ने हमसे फरमाइश की कि यार हमें दावतें करनी होती हैं कम पैसों में, अगर कोई दावत का सिलसिला बन जाए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची में सबसे सस्ती कढ़ाई 300 रुपये की चिकन कढ़ाई हमने मुतारिफ कराई, और उसके बाद फिर हमने प्लेटर्स मुतारिफ कराए जिसमें 3,000 रुपये का हमारा एक प्लेटर है, उस प्लेटर के अंदर 5 किस्म के आइटम दे रहे हैं, उसमें बकरा भी है, अच्छा जी, उसमें चिकन भी है, हांडियाँ शांडियाँ भी है, उसमें मटन कुन्ना है, उसके अंदर मटन बाल्टी गोश्त है जो यूनिक है, पूरे कराची में कहीं नहीं मिलता, मैंने देखा छोटी सी बाल्टी है वो, जी जी बड़ी फैंसी, उसके अंदर चिकन हांडी देते हैं हम, उसके अंदर हम झटपट कढ़ाई देते हैं, चिकन शाही कढ़ाई देते हैं। झटपट कढ़ाई का क्या मकसद है? ये झटपट कढ़ाई बड़ी ही चटपटी सी होती है और सब्जियों के साथ बनती है, शिमला मिर्च गाजर वगैरह के साथ, बहुत मुनफरिद कढ़ाई, जिसे वेजिटेबल कह सकते हैं, वेजिटेबल भी कह सकते हैं, चिकन भी होती है इसमें, अच्छा चिकन होती है, बहुत जबरदस्त सब्जियां कम होती है इसमें, इसके साथ 5 दाने 5 चपाती, सलाद, रायता, गुलाब जामुन, ये पूरा प्लेटर एक हम बड़ा सा 6-7 अफराद खाते हैं, ये 3,000 में देते हैं। और इस प्लेटर की वजह ही ये है कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं और दावत करने चाहते हैं अपने रिश्तेदारों की, खासकर वो हजरात बहुत परेशान हैं कि जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी जैसे तैसे करके, अब दामाद आता है कहता है मेरी दावत कर दो भाई तो वो फिर हमारे रेस्टोरेंट पे ले आए, इंशाल्लाह बहुत कम पैसों में 6-7 अफराद भी होंगे तो बहुत अच्छी दावत कर लेंगे। यानी 12वीं का महीना है और जिनकी नई नई शादी हुई, जिनके दामाद बड़े अकड़ू हैं,
जो कहते हैं कि हम जाते हैं तो दस्तरखान नहीं लगता, तो ये उन लोगों के लिए देसी फूड ने बड़ा अच्छा पैकेज लॉन्च कर दिया है कि आप आइए, अपने दामाद को बल्कि बुलाइए, बोलो बेटा आ जाओ, तुम्हें मटन भी खिलाएंगे, तुम्हें चिकन भी खिलाएंगे, तुम्हें चटपट कढ़ाई भी खिलाएंगे, और क्या है उसमें, वो झींगा बिरयानी भी है उसमें। नहीं, हमारे पास जो जो हमारा रेस्टोरेंट है, मैं ये कहता हूँ कि कराची में ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है, है बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें जो वैरायटीज है ना वो कहीं और नहीं है। दुम्बे का पुलाव, वो बहुत लाजवाब दुम्बे है, का पुलाव पूरे पाकिस्तान में इस अंदाज में कोई नहीं दे रहा जिस तरह हम दे रहे हैं, क्योंकि ये तेल घी में तैयार नहीं होता, बल्कि ये अपनी चक्की और इसका जो रवाज होता है, इसकी चर्बी इसी में तैयार होता है। अच्छा जी, हमारे पास झींगा बिरयानी मैंने है, खाया, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। जी हमारे पास झींगा बिरयानी है, हमारे पास डेढ़िया बिरयानी होती है, सर्दियां आती हैं तो फिश बिरयानी होती है, हमारे पास जंगली बिरयानी बनती है, वाह भाई वाह। जी हमारे पास बंगाली बिरयानी, बड़ी ही जबरदस्त बिरयानी होती है, कभी आप आए तो आपके लिए खास तौर पर बनाएंगे, आप मजा आ जाएगा इंशाल्लाह ऐसी अच्छा, बिरयानी कोई में। ऐसा दामाद हो जो अपने ससुराल वालों की दावत भी करना चाह रहा हो, और दामाद बेचारा जी, कमजोर हो, वो उसकी सास बेचारी बोलते हो कि जब से हमने अपनी बेटी को ब्याया है हमारा दामाद हमारी खिदमत ही नहीं करता, ले तो आए, उनके लिए भी, बिल्कुल ले आए उनके लिए भी इंशाल्लाह। ये खास। जी, इंशाल्लाह नानी बिल्कुल ले ग्राम, आए। बड़ा खूबसूरत माहौल है, और देसी फूड्स की जहाँ तक बात की जाए, लकी वन से, ऑपोजिट है लकी वन से, जी, लकी थोड़ा सा वन से बताइए हमारे आप नाजिन को। लकी वन से अगर सौराब गुट की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ्ट पर ही अब्दुल्ला सेंटर के फ्लैट्स हैं, जहाँ मैकेनिक की शॉप है, उसी के नीचे और है इसकी राशिद टाइमिंग मेरा वगैरह सौराब। क्या है, वो तो नंबर तो आपके चल जी, रहे हैं, लेकिन टाइमिंग। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम स्टार्ट लेते हैं और रात तकरीबन 2 बजे तक हमारी सर्विस चल रही होती है। भाई बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ लाए, जजाक और अल्लाह हम खैरा, आपसे बहुत सी बातें करना चाहेंगे क्योंकि आप हमारे साथ अभी जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह क्योंकि बिल्कुल। 17 रबीउल अव्वल को जो नातिया मुकाबला है, कुल पाकिस्तान अभी सब ने अपने अपने ट्रांसमिशन के अख्तितम कर दिए, लेकिन K21 न्यूज़ को ये शर्फ हासिल है कि हम अभी तक अपने सोने का मनमोहने का जश्न मनाए हुए हैं और मनाते रहेंगे, तो सांसें जब तक हमारी कायम है ये जिक्र तो चलता रहेगा, इसको कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता, और मिलाद हमेशा मनाते रहेंगे। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन मैं वक्फे से जाने से पहले हमारी एक बहन है, मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम वक्फे पर जाएँ, ये कलाम पेश कीजिएगा। और फारूक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह आपसे खैरा, दोबारा भी मुलाकात रहेगी, इंशाअल्लाह। आपके कलाम से ही हम वक्फे पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको पता है कि जैसे कि प्यारे आका की विलादत है, इनका टाइम चल रहा है, तो आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए दुरूद पाक पेश करूंगी अहले बैत का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिही व सहबीही व बारिक व सल्लिम बारिक वसल्लम। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, और रहमत दो जहान पर हम सब का दुरूद है। ए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة مرحبا يا خير داع. علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
नादिकराम वक्फे से वापस आ चुके हैं, नातिया मुकाबले का आगाज़ हुआ चाहता है और हमेशा की तरह हमें जजेस ने ज्वाइन कर लिया है। बैन अलाक़वामी शौहरती हफ्ता नात ख़्वान मनकबत ख़्वान इस कंपटीशन की जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगे और पूरे कराची से और सिंध से जिन आवाज़ों को मुंतखब किया गया उनका मुकाबला आज से उसका आगाज़ हो रहा है, जिसका ग्रैंड फिनाले ग्रैंड महफिल नात मुनक़िद होगी इंशाल्लाह 17 रबीउल अव्वल को, जिसकी आपको और मुझे बेसब्री से जिसका इंतज़ार है। चलते हैं जजेस की जानिब और सबसे पहले जो हमारे मुस्तकिल जज हैं जो कि कई सालों से हमारे पैनल का हिस्सा हैं, मोहतरम जनाब इमरान अवान। इमरान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? कैसे मसरूफियात हैं आंखें आपकी बता रही है कि किस कदर मसरूफियात हैं आपकी? बिल्कुल है, सुबह ऑफिस भी जाना, फिर उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट करना, फिर आपकी कॉल आती है तो फिर यहाँ पे आना, तो बस ये मसरूफियात चल रही है, मगर सरकार की नौकरी है ये, तो हम हमारी जान भी हाजिर है। और आपकी आज डबल ड्यूटी है, एक तो आप सना खान तो है ही, लेकिन आज आपने जजेस के फराइज अंजाम देने, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्या कहते हैं आप? जी आप हमेशा ही ये जिम्मेदारी तकरीबन 3-4 साल से गुज़श्ता मुझ पर आप मुझे दे रहे हैं ये, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम निभा भी रहे हैं, तो बस ये जिम्मेदारी तो है, बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं, इस दफ़ा अच्छे बच्चे आए हैं, अच्छा माशाल्लाह मुकाबला भी अच्छा चल रहा है, तो देखें आगे क्या होता है। इनके साथ ही नाज़िक राम जो कि नातिया कंपटीशन की होस्ट भी हैं, लेकिन हमेशा की तरह ये लेट आए, ठीक है, और जो लेट आता है तो फिर वो यहाँ बैठ के जजेस के फ़राइज़ अंजाम देता है। आज तैयब शाह हमारे दरमियान मौजूद, तैयब शाह कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, वालेकुम सलाम। कैसे देखती है कंपटीशन को, कैसा है इस साल? इस साल का कंपटीशन अब्रार बहुत टफ हुआ है और इस साल हमें लगता है कि हो सकता है कुछ भी, क्योंकि बच्चों में बहुत मेहनत करके आए और लेट हो गई, माजरत। चले नाज़िकराम, इनके साथ ही बैन अलाक़वामी शौहरती याफ्ता नात ख़्वान मनकबत ख़्वान, और ये अभी क्योंकि इस साल से हमारे साथ जुड़ी हैं, सैयदा इरज ज़हरा काज़मी। कैसी हैं इरज आप? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अरिज, आपने देखा कि किस तरह से कंपटीशन, आप भी बचपन में कंपटीशन में हिस्सा लेती रहेंगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बचपन से लेके अब तक का सफर? आज एक मुकाम आपको मिला है कि आज जजमेंट के फ़राइज़ आप अंजाम देंगी, कैसा लगता है आपको? मेरे ख्याल में मेरे लिए तो ये एक एज़ाज़ है, यकीनन एक एज़ाज़ है, लेकिन यकीन माने जो सफ़र रहा है मेरी ज़िंदगी का, और जैसे कदम ब कदम हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब हम हमसे अच्छा पढ़ने वाले होते थे और हमसे बेहतर पढ़ने वाले होते थे तो हम कहते थे कि उसने अच्छा पढ़ा है, हमें उससे सीखना चाहिए, और वाकई में वो सीख सीख के जब हमें अव्वल उस प्राइज़ मिलता था तो हम ये सोचते थे कि अब हमारा मुकाबला हमारी इज़ाज़त से होगा और वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगा। और कभी ऐसा हुआ कि कभी कंपटीशन में गई हो और आप ऑडिशन से ही मुकाबले से बाहर हो गई हो, कोई पोजीशन ना आई हो? बिल्कुल, स्टार्टिंग में ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, और उन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमने सीखा है। वाह। अच्छा, हमें कहा जो हमारी जो भी इस्लाह होती थी हम उस पर तवज्जो देते थे, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी वालदा, परवरदिगार आलम उनको सलामत रखे, कि वालदैन जैसी हस्ती दुनिया में कहीं पर भी, क्या नहीं बात है, बेशक, ठीक है, अहले बैत जैसी हस्तियों के बाद अगर अजीम हस्तियाँ हैं तो वो वालदैन जैसी, वालदैन जैसी हस्तियाँ, तो मैं कहती हूँ कि जहाँ आपको वालदैन आपकी आपके जो है उस्ताद बन जाते हैं और आपकी इस्लाह करते हैं तो उनको सुनना चाहिए। वाकई में परवरदिगार आलम मेरी माँ को भी ज़िंदगी दें, मेरे वालिद की मगफरत फरमाए कि किस तरह से उन्होंने एक चीज़ का मुझे बताते थे, बल्कि हम फर्स्ट भी ले लेते थे प्राइज़ और वो कहती थी नहीं तुम्हारी यहाँ पे गलती है, यानी कि हर जगह इस्लाह होती थी। उन बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि बिल्कुल जो लोग समझते हैं कि हम कंप्लीट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, हम आज भी कंप्लीट हैं, मेहनत आपका काम दिखाती है। मेरी वालदा भी कभी तारीफ नहीं करती मेरी किसी मुकाम पे, मैं आज लाइव मेरी अम्मी देख रही होंगी, मैं लाइव बोलती मेरी वालदा कभी मेरी तारीफ नहीं करती, कभी वो कहती आज भी तुमने गलत किया है ताकि तुम आगे मजीद सीखो, और मैं तमाम बच्चों से कहूंगी कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, लर्निंग प्रोसेस और रिविजन कभी खत्म नहीं होता, आप आज हैं तो कल को आपने दूसरे घर भी जाना है, वहां पर भी आपने सिखाना ही है, आपका लर्निंग प्रोसेस आपका रिविजन जो आप सीख कर आए वही आप आगे दोगे, तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो ये भाई मैं कहना चाहूंगा नाज़रीन के वो घर बड़ा खुशनसीब होता है कि जिस घर में
सना खानी रसूल होता है, अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करने वाला जिस घर में आता है उस घर में तो वैसे ही रहमतें आ जाती हैं। और बेटी की सूरत में अगर आए तो बेटी जब रुखसत होके अपने ससुराल जाती है और अगर वहाँ भी उसको वही माहौल मिले कि जिसकी मिसाल आप हैं कि आप शादी होके गई और आपके हस्बैंड भी आपके साथ खड़े हैं कि वो बोलते हैं कि जाओ करो। बिल्कुल, और मैं वाकई में ये बात कहती हूँ कि सिर्फ हस्बैंड नहीं, आपका इन लॉज में भी आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और वाकई में मेरे इन लॉज में भी मेरा सपोर्ट बहुत। तो क्या कहते हैं कि मुकाबले का आगाज किया जाए? जजेस को बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, इस कंपटीशन की पहली आवाज हम सुनते हैं जिनका ताल्लुक कराची से है और मैं चाहूंगा कि वो आए। और हम अपने मुकाबले में एक बात तो मैं कहा करता हूँ कि कोई कम अच्छा पढ़ता है तो कोई ज्यादा अच्छा पढ़ता है, जो ज्यादा अच्छा पढ़ता है वो फातह करार पाता है, जो कम अच्छा पढ़ता है वो रह जाता है, लेकिन तैयारी कर लेनी चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। और बार गाहिर सालत बाब में जब आप गुलहाए अकीदत पेश करते हैं तो आपका नाम तो वैसे ही उनकी लिस्ट में आ जाता है। अब जीत हार का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का है कि हम कितनी मोहब्बत कैसे करते हैं। किसी का इजहार होता है वो चीख के करता है, किसी का इजहार होता है वो खामोश रह के करता है, किसी का इजहार होता है कि जो सुर में करता है। तो ये नातिया कंपटीशन जो है हमने एक छोटी सी उनको इनाम की सूरत में जो चीजों का मजमूआ एप्रिसिएशन देना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई आप अपना नाम बताइए और आपका ताल्लुक कहाँ से है, अपनी एज बताइए और कलाम पेश कीजिएगा, एक शेर पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। नाम हाफिज मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। हाफिज मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी, कराची से ताल्लुक है, एज 16, कराची से ताल्लुक जी। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में तुम्हारे लिए दहन 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 में जुबान तुम्हारे लिए बदन बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हाफिज मोहम्मद बिलाल क्या कहेंगे? बिलाल ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हाफिज बिलाल आए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तो अंदाज बहुत खूबसूरत है इनका पढ़ने का और तलफ्फुज बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अदायगी इनकी। और मुकाबले का आगाज ही इतना बेहतरीन हुआ है कि देखते हैं आगे क्या होता है। अगली हमारी छोटी बहन है, हम चाहेंगे कि उनका कलाम भी हम शामिल करें। नाज़रीन किराम, मैं यही देख रहा हूँ कि नातिया मुकाबला जो होता है वो अपनी मेहनत से किया जाता है। आप जितनी मेहनत करते हो वो बताता है कि भाई मेरी मेहनत क्या है, और ये मेहनत का मुकाबला है सारा। जब आपकी मेहनत अच्छी होगी तो यकीन कीजिए कि आप फातह करार पाएंगे। हमारी बहन छोटी, क्या नाम है आपका बेटा? अलिशबा तनवीर। अलिशबा तनवीर, कलाम पेश कीजिएगा अलिशबा। झुकी हुई ये जबी हमारा कल
قلب حزین ہے حضور دیکھنا دل حزین माशाल्लाह सिलेक्शन बहुत अच्छी थी कलाम की। इन्होंने जब अस्थाई पढ़ी उसके बाद जब अंतरे में गई तो सुर से थोड़ा सा ये आपने जब मेरी जानिब देखा और मैंने आपकी जानिब देखा तो आंखों आंखों में इशारा भी हो गया। क्या कहेंगे आप? मेरा ये तजुर्बा है जो मेरा रहा है वो ये है कि नात की सिलेक्शन नात वाली होनी चाहिए। जी जी। नात जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान और साफ बयान की। बिल्कुल। अच्छा ये जो भी बहुत प्यारा पढ़ा बच्ची ने, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हमेशा बेटा जब भी स्पेशली जब आप मुकाबले में जाओ तो उसमें ज़्यादातर वो कलाम सेलेक्ट करो जिसमें सिफात उनके इस जो भी उनके मतलब यानी कि लकब हैं अलकाब हैं वो बयान किए जाएँ। सही है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नात का फिर वो ख़त्म हो जाता है कि आपने फिर वो आपने अपने जो कसीदा एक या आपकी अपना कहते हैं ना कि अपनी अकीदत बयान की हो। अच्छा ये इल्तजाइया कलाम था। ये मेरा कहना ये है अगर बेटा जैसे पढ़ते हैं ना आप कि नात अगर कह देना कि मैं नात पेश करूँ तो हुजूर की तारीफ पेश करें फिर उसमें, तो ये इल्तजाइया कलाम था आपकी इस्तकासा था ये आपकी जानिब से। तो ये लाजमी जब भी कंपटीशन में है तो आवाम सुनने वाले जो हैं देख रहे हैं उनको बताएं आप। लेकिन और लेकिन अदायगी आपकी बहुत परफेक्ट थी, लफ्ज की अदायगी अच्छी थी, और जहाँ मेरे भाई ने कहा वहाँ ये बात है, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे जैसे आपकी इसलाह की जाएगी उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, ये नहीं कि हम कह रहे हैं, हम आज भी हमारी कोई इसलाह करता है बिल्कुल, गुंजाइश होती है, जब तक इसलाह हो रही है तब तक आप समझे कि आपके लिए कामयाबी की राहें खुली हुई हैं। बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। नाज़रीन कराम चलते हैं आज के इस कॉम्पिटिशन की आखिरी आवाज़ की जानिब और देखते हैं कि आज ये जजिस को किस हद तक मुतमईन कर सकते हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान अहमद। जी ज़ीशान भाई कलाम पेश कीजिएगा। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, ज़माना रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन
रसूल अल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। इमरान भाई क्या कहेंगे? कलाम की सिलेक्शन माशाल्लाह इनकी भी बहुत अच्छी थी, मगर थोड़ा सा तलफ्फुज में मुझे जो है ना अदायगी इनकी अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगने से मुराद ये है कि थोड़ा सा तलफ्फुज में ये गए यही नहीं यही यही बिल्कुल। तो यही नहीं होता बेटा, ठीक है, आपने दो दफा रिपीट किया यही, तो यही होगा। एक और गलती इनकी ये भी थी कि छूटे ना नहीं छूटे ना। और बेटा आपने भी जो पढ़ा है ना ये इल्तिजाया कलाम। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये नात मुबारक नहीं थी तो आप लोगों नहीं। खैर ये डिस्कस हमारी है नहीं कि नात है कि इल्तिजाया कलाम है, कलाम पेश कर रहे हैं, मुकाबला है। जरूरी नहीं है कि नात ही, अब बच्चों को इतनी ज्यादा सेंस भी नहीं है कि इस तरीके से होनी चाहिए। हमने कह दिया है ये मुकाबला है भी नात और मनकबत का है। नात और मनकबत मनजात पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसकी निशानदेही आपने करवाई है कि मुनजात एक और चीजें औसाफ बयान करना, अगर मनकबत है तो मनकबत भी तारीफ ही है और नात भी तारीफ ही है। अब मदीने बुला लीजिए, मैं मर रहा हूँ आका मुझे बुला लीजिए, ये दुआया इल्तिजा है। बिल्कुल, जब बच्चे आगे माशाल्लाह मिलाद पढ़ने लगते हैं तो मिलाद जब आप एक मेंबर है उसका एक जिम्मेदारी होती है कि जब आप नात पढ़ रहे हैं तो आप बयान करें कि मैं नात पढ़ रहा हूँ, जब मैं दुआया कलाम इल्तिजाई कलाम पढ़ रहा हूँ तो आप बयान करें मैं इल्तिजाई कलाम पढ़ रहा हूं। चले मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप जल्दी से डिसीजन लीजिए कौन आगे जाएंगे, कौन सी आवाजें कल हमारे दरमियान मौजूद रहेंगी, कल तीन आवाजें और होंगी। जब तक मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जब तक आप लोग डिसीजन ले लीजिए। और ये मेरे दिल की आवाज है, नातिया मुकाबले मैंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया। चले इमरान भाई की फरमाइश है, जब तक आप डिसीजन लें कि कौन सी आवाजें हमारे दरमियान मौजूद होंगी। गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे है, करीब मुझ पे भी परवरदिगार आप से है। खता के बदले अताबे शुमार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है कि मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मैं इस यकीन जिंदा हूँ के आप सुनते हैं मेरे आका, मैं जिंदा हूँ के आप मेरे हैं के मेरी हयात का दारो मदार आप से है। और मैं बेकरार था मेरा करार आप
का नंबर दे रहे हैं आप लोग। बस जल्दी से बताइए कि कौन सी आवाजें हमारे दरमियान मौजूद होंगी, आप लोगों में से कौन बताएगा? इमरान अवान भाई जी, इमरान भाई कौन सी आवाजें हमारे दरमियान कल मौजूद होंगी? माशाल्लाह, ये सबसे पहले हाफिज बिलाल ने पढ़ा, फिर अलिशबा ने पढ़ा, जिशान अहमद ने पढ़ा, तो गलतियां तो तकरीबन सब में ही कुछ ना कुछ माइनर सी थी, और मेरे हिसाब से बाकी इनका डिसीजन है, मेरे हिसाब से तो ये माशाल्लाह तीनों ने बहुत अच्छा। आप तीनों की मुश्तरका क्या, तीनों इनको आगे लेके जाना चाहेंगे? तीनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जजेस ने तीनों को फातेह करार पाया। और इससे कबल के हम इख्तिताम की जानिब जाए, मैं आप तीनों में से कहूंगा कोई एक बंदा आप इख्तितामी कलाम पढ़ दे, अरिज काजमी के कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। नाज़रीन किराम, कल इंशाल्लाह नए आवाज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादें, मैं आस्ताने मोहम्मद